तुम्हें पता नहीं है क्या टू पॉइंट जीरो में आने वाला है टेस्ट सीरीज एग्जामपुर न्यूज टू पॉइंट जीरो के बारे में क्या अफवाह फैला रखी है सर ये दोनों ऑफिस में बात कर रहे थे पच्चीस अप्रैल तक रुका नहीं जा रहा तुमसे ऐसी टू पॉइंट जीरो की ऐसी कोई अफवाह ने फैलाई पच्चीस अप्रैल रविवार सुबह ग्यारह बजे एग्जाम्पुर यूट्यूब चैनल पर आएं तुम्हें पता नहीं है क्या 2.0 में आने वाला है टैक्स गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू एग्जामपुर मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर एग्जामपुर में हमें कलम से क्रांति एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर के परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और बच चुके सुबह के दस दस बजे होती है आपकी जीके की क्लास जो हो, आपकी शुरू हो चुकी है तो जल्दी से क्लास में आ जाइए और क्लास को कर दीजिए फटाफट से शेयर जल्दी जल्दी से है ना सभी को वेरी गुड मॉर्निंग जय हिंद नमस्ते तो सबसे पहले ये बताओ कि सारे के सारे बच्चे कैसे हो क्या हाल चाल है बिल्कुल ठीक हो स्वस्थ हो नहीं हो एक बार बता दीजिए है ना और बिल्कुल एक मतलब जहां से भी आप बिलोंग करते हो वेदर आप किसी सिटी में रहते हो किसी विलेज में रहते हो मतलब गांव शहर मैटर नहीं करता कोरोना हर जगह पे बराबर बराबर मात्रा में फैला था मतलब बराबर टक्कर दे रहा है हर जगह कोई भी जगह है है ना तो दिल्ली हो गई मुंबई हो गया कुछ ऐसे है जहाँ पे कुछ ज्यादा ही सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है तो अपने दिल्ली में भी बहुत ज्यादा खराब है लेकिन पूरे प्रिकॉशन के साथ आप लोग रहिए है, है ना और अच्छा ही हुआ कि एग्जाम नहीं हुआ बाहर जाते तो ये रिस्की हो सकता था है ना आपके लिए भी तो मैम अक्सर कहा गए सर यही है ठीक है हो सकता है सर आ, हल्की फुल्की तबियत की वजह से नहीं ले पाए होंगे है ना क्लास लेकिन लेंगे ठीक है भाई है ना तो बिल्कुल जीके कोर्स हो जाएगा मैम एयरफोर्स का ऑल जीके कोर्स देखो एयरफोर्स का ऑलमोस्ट पूरा ऑलमोस्ट क्या पूरा ही कंप्लीट जी के अपन पढ़ चुके हैं है ना अभी आपका एग्जाम होने वाला था जो कि आपका पोस्टपोन हुआ है uh, तो अभी जो हम करेंगे वो एक बार रिविजन करेंगे फिर मैं आपको फिर से दोबारा से टॉपिक वाइज कराऊंगी टॉपिक वाइज भी कराऊंगी रिविजन भी कराऊंगी और रात में आपकी आज रात नौ बजे आपकी क्लास होगी कितने बजे होगी नौ बजे है ना आज रात नौ बजे भी आपकी क्लास होगी कब होगी भाई आज रात नौ बजे तो लिख लीजिएगा आज रात नौ बजे आपकी क्लास होने वाली है इसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे अब बोलोगे मैम कौन से एग्जाम के लिए तो डिफेंस का कोई भी एग्जाम चाहे वो एयरफोर्स का एग्जाम है चाहे वो आपका नेवी का एग्जाम है चाहे आप डिफेंस का चाहे वो एनडीए में कोई एक आधा स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन आता है आपका कोई भी एग्जाम है जिसमें आपकी स्टैटिक जीके आती है उसको देखते हुए जो है सारे के सारे क्वेश्चन उसमें हम पढ़ने वाले हैं आज रात नौ बजे बिल्कुल रैपिड फायर नाम दिया गया बढ़िया सी क्लास होगी तो सारे बच्चे जरूर आएंगे ठीक है हाँ उसमें करंट अफेयर भी हो जाएंगे सारी स्ट्रेटेजी बताओ कैसे पढ़ाना पढ़ना चाहिए हाँ उस पर भी वीडियो बन जाएगी ठीक है बिल्कुल बन जाएगी आ, तो ये इस प्रकार से आपकी चीजें इसको याद रखेगा दूसरा ये है कि 2.0 से रिलेटेड मतलब बहुत ही बेहतरीन एक चीज आपके लिए आने वाली है ये कब आएगी ये आएगी आपकी 25 अप्रैल रविवार सुबह ग्यारह बजे तो आप लोग इससे जरूर जुड़ना क्योंकि आप डिफेंस वाले बच्चे तो कोई खाली हाथ नहीं जाता एग्जाम पर की जो पूरी फैमिली है डिफेंस हो गया कोई भी एग्जाम है सबको कुछ ना कुछ मिलने वाला है टू पॉइंट जीरो में ठीक है भाई तो बिल्कुल आप लोग जरूर आएंगे ठीक है नहीं मैथ्स की नौ बजे नहीं होती मैथ्स की आपकी सुबह दिन में होती ग्यारह बजे है ना ग्यारह बजे होती है जैसे मेरी क्लास ओवर होगी मैथ्स की क्लास होगी मैथ्स की रात में नहीं होगी मैथ रात में सिर्फ मेरी क्लास चलेगी जीके की ठीक है भाई बिल्कुल अब आप एक बार जोर से मतलब अच्छे से सारे बच्चे जय हिंद के साथ क्लास को शेयर कर देंगे और मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे तो मैंने कहा था कि मैं आपको डैम्स पढ़ाने वाली हूँ तो आज डैम्स नहीं सबसे पहले आपका नेशनल पार्क जो बच्चे बोल रहे थे तो ज्योस्ना मैम की जो क्लास होती है नेवी के लिए उसमें मैम आपको वो करा रही है क्या करा रही है नेशनल पार्क से करा रही है वहां से पढ़ लीजिएगा मैं जो कराऊंगी कल से टॉपिक वो डैम्स हो जाएंगे तो उधर आप नेशनल पार्क पढ़ना इधर आप डैम्स पढ़ना और रात में प्रैक्टिस कर लेना तो पूरा का पूरा आपका एक सेटअप बन जाएगा मतलब आप अच्छे तरीके से जीके जो है आपकी तैयार हो सकती है क्योंकि जो बच्चे आपके एयरफोर्स के हैं वो सेम आपके नेवी में भी होते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है भाई क्योंकि नेवी में आपकी जो जीके का पोर्शन है वो काफी अच्छा खासा है तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा ठीक है बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं आर्मी के लिए रात नौ बजे जो क्लास होगी उसे जरूर देखिएगा पहला क्वेश्चन देखो क्या है आपका तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है तो आप सभी जानते हैं कोई भी एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो जो आपके डेज होते हैं महत्वपूर्ण दिवस होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए तो आपको बताना है कि आपका इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है बताएंगे 11 दिसंबर को 17 जून को 14 मार्च को या फिर आपके 22 अप्रैल को ठीक है जल्दी से बताएंगे देखो एम के लिए आप रात नौ बजे क्लास होगी उसको भी लेना ज्योस्ना मैम की क्लास होती है आपके पांच बजे उसको भी लीजिए आप इसे भी लीजिए आप तीनों क्लास क्योंकि आपका जीके का पोर्शन ज्यादा है नेवी में तो आप अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा है ना बाईस अप्रैल आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का बाईस अप्रैल को आपका इंटरनेशनल आ, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाया जाता है याद रखिए कब मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है तो अप्रैल के महीने की बात की जा रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं आपके अप्रैल में कौन कौन से होते हैं आप बताइएगा मैंने आपको पढ़ा है बताओ कि की एक अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है जल्दी से बताएंगे एक अप्रैल को कौन सा दिन होता है आपका फिर आप मुझे बताएंगे चार अप्रैल को कौन सा दिन होता है चार अप्रैल ठीक है पांच अप्रैल को कौन सा दिन, दिन मनाया जाता है पांच अप्रैल को ठीक है भाई सात अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है सात अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं आप लोग जल्दी से बता दीजिए एक बार तो एक अप्रैल को क्या हुआ था आपका उड़ीसा फाउंडेशन डे मनाया जाता है उत्कल दिवस जिसे आप कहते हैं है ना उत्कल दिवस भी कहते हैं उत्कल दिवस लिख लीजिए पेपर में पूछे जाते हैं या फिर आपका उड़ीसा राज्य का फाउंडेशन डे लिख लीजिए उड़ीसा फाउंडेशन डे ठीक है पहला दिन हो गया आपका दूसरा आता है आपका चार अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस है ना इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस ये मनाया जाता है आपका चार अप्रैल को फिर आती है आपके पांच अप्रैल पांच अप्रैल को मनाया जाता है आपका नेशनल मैरिटाइम डे है ना क्या मनाया जाता है नेशनल मैरिटाइम डे जो है आपका मनाया जाता है अगर आपने पढ़े होंगे डेज तो आपको याद होगा अच्छे तरीके से आपको कराए थे सात अप्रैल को आपका आप जानते हैं डब्ल्यू एच ओ की स्थापना हुई थी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपका मनाया जाता है सात अप्रैल को कब मनाया जाता है भाई सात अप्रैल को क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार तेरह अप्रैल को क्या हुआ था बताएंगे कि तेरह अप्रैल को क्या हुआ था है ना तेरह अप्रैल को क्या हुआ था साल भी बताएंगे कौन से साल में जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ था तेरह अप्रैल ईयर आपको बताना कब हुआ था ठीक है भाई अठारह अप्रैल को होता है आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे होता है आपका कब अठारह अप्रैल को अठारह के बाद भी आती है आपकी बाईस अप्रैल बाईस अप्रैल को होता है आपका अर्थ डे फिर आता है आपका चौबीस अप्रैल क्या आता है भाई चौबीस अप्रैल और चौबीस अप्रैल को होता है आपका पंचायती राज दिवस क्या हो जाएगा पंचायती राज दिवस जो है आपका मनाया जाता है चौबीस अप्रैल को आप बताना कि पंचायती राज कब लागू हुआ था बिल्कुल उन्नीस में वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एक बार क्लास को अच्छे से सारे बच्चे मिलके शेयर कर देंगे है ना कोरोना आया है समझ सकती हूँ लेकिन उसने ये नहीं बोला है कि आप पढ़ नहीं सकते ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते लेकिन आप ऑनलाइन अच्छे से पढ़ सकते हो है ना बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अलावा बात करेंगे अगर आप तो यहाँ पे पच्चीस अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे क्या मनाया जाता है भाई पच्चीस अप्रैल को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड मलेरिया डे है ना मलेरिया वर्ल्ड मलेरिया डे जो है आपका मनाया जाता है तो याद रखिएगा सारे के सारे डेज जो आपको बताए हैं एक अप्रैल को उड़ीसा दिवस चार अप्रैल को माइन अवेयरनेस पांच अप्रैल को मैरी टाइम, सात अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस तेरह अप्रैल को जलियावाला बाग अठारह अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज चौबीस अप्रैल को पंचायती राज पच्चीस अप्रैल को मलेरिया डे जो है आपका मनाया जाता है ठीक है कैंसिल नहीं होगा लेकिन जब आपकी वेरिफिकेशन होगी और आप थम उसमें लगाओगे तो वेरीफाई नहीं हो पाएगा तो वो उसमें आपको दिक्कत होगी ठीक है तो आप एक बार एयरफोर्स का जो ऑफिशियल मेल है उस पर अपनी ये जो दिक्कत दिक परेशानी है उसको एक बार मेल में सेंड कर दीजिए हो सकता है कोई सॉल्यूशन आपको मिल जाए है ना अदरवाइज दिक्कत हो सकती है आपको चलिएगा पूछा गया कि एस्टोनिया की राजधानी और मुद्रा क्या है जल्दी से बताएंगे सोफिया और लेव स्टेलिन और यूरो हेलसिंकी और यूरो कोपेनहेगन और क्रोन बताओ कैपिटल और करेंसी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं कोरोना डे क्यों मनाओगे आप हैं डे कौन सा मनाया जाता है मतलब कोरोना डे क्यों मनाओगे भाई हैं शिवम जी पढ़ लो भाई हाँ, ये तो आप याद रख सकते हैं कि 2.0 है ना ये जो डे है आपका है ना ये कब मनाया जाएगा ये आपका पच्चीस अप्रैल को मनाया जाएगा है ना पच्चीस अप्रैल को पच्चीस अप्रैल जिस दिन आप मनाते हो मलेरिया डे कौन सा डे मलेरिया डे याद रखेगा चलिएगा यहाँ पे आंसर देंगे आप लोग तो याद रखना एस्टोनिया की राजधानी है आपकी तेलिन और यूरो यूरोहाँ पे आपकी मुद्रा आ जाएगी जो सोफिया है वो किस देश की राजधानी है तो ये है आपकी बुल्गारिया कौन सा देश है भाई बुल्गारिया याद रखेंगे कौन सा बुल्गारिया लिख लीजिए हेलसिंकी जो है आपकी फिनलैंड की कैपिटल है कहाँ की बच्चा फिनलैंड ठीक है कॉपेन हेगन जो है आपकी डेनमार्क की कैपिटल है कहाँ की कैपिटल है बच्चा डेनमार्क की कैपिटल है लिख लीजिएगा कहाँ की डेनमार्क और मैंने आपको बोला था कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करो तीन चार कंट्री निकाल के उनके कैपिटल करेंसी लिख लिया करो लेकिन क्यों लेकिन तुम क्यों लिखोगे है ना बात तो तुम्हें माननी नहीं है हाँ बिल्कुल नेवी ए एस एस आर के लिए आप ये क्लास जो तो है देख सकते हो बिल्कुल देख सकते हो बताओ कि पोबी तोरा पोबी तोरा वन्य जीव अभ्यारण किस राज्य में है भारत के किस राज्य में स्थित है उत्तर दीजिए असम में है तेलंगाना केरल या फिर आपका महाराष्ट्र में है आंसर देंगे और क्लास को एक बार अच्छे से शेयर कर देंगे है ना सारे बच्चे इसको याद रखना है मैम जी जो मैंने आपको डेज कराए हैं सारे के सारे अप्रैल के उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा है ना एक अप्रैल चार अप्रैल पांच अप्रैल सात अप्रैल तेरह अप्रैल उसके बाद में आ जाएगा आपका तेरह के बाद में अठारह अप्रैल आ जाएगा फिर बाईस अप्रैल चौबीस अप्रैल पच्चीस अप्रैल तो क्या दिक्कत है याद करने में हाँ ऑलमोस्ट सारे एग्जाम फिलहाल के लिए पोस्टपोन हो गए हैं लेकिन जैसा पिछली बार हुआ था है ना एक एक डेढ़ महीने में जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी आपके एग्जाम हो जाएंगे ठीक है, है पोबी तोरा वन्य जीव अभ्यारण ठीक है तो पोबी तोरा वन्य जीव अभ्यारण आपके असम राज्य में है है ना किस राज्य में है भाई असम राज्य में है याद रखेगा अब असम की बात करते हैं राजधानी है आपकी डिसकुट है ना राजधानी पूछी गई थी एक बार तो दिसपुर आपकी राजधानी है ठीक है यहाँ पे सीएम कौन है आप बताना आप कहेंगे सर्बानंद सोनोवाल जगदीश मुखी क्या हो जाएंगे आपके राज्यपाल है ना तो यहाँ पे लिख लीजिए एक बार सर्बानंद जी ठीक है भाई और जगदीश मुखी भी राज्यपाल भी आपसे पूछे गए थे कौन से हैं यहाँ के नेशनल पार्क पेपर में पूछे जा चुके हैं एक है आपका काजीरंगा कौन सा है भाई काजीरंगा नेशनल पार्क एक है यहाँ पे ओरांग नेशनल पार्क कौन सा है ओरांग एक है यहाँ पर नामेरी नेशनल पार्क कौन सा है नामेरी ठीक है भाई एक है यहाँ पर डिब्रू साकोवा नेशनल पार्क ठीक है तो डिब्रू से आप याद कर सकते हो और कौन सा है और आप बता दीजिए मानस नेशनल पार्क कौन सा है बेटा मानस नेशनल पार्क ये सारे के सारे पेपर में पूछे जा चुके हैं एयरफोर्स के एयरफोर्स के पेपर में जितने भी मैंने यहाँ पे आपको नाम बताए हैं सारे के सारे नेशनल पार्क आपसे पूछे जा चुके हैं यहाँ का एक पॉपुलर फोक डांस होता है बीहू है ना तो बिहू किस राज्य से संबंधित है आपके असम राज्य से संबंधित है ये भी पेपर में पूछा गया था ठीक है बिल्कुल 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 हां जी काजीरंगा ओरांग नामेरी बिल्कुल डिब्रू ये जो है इनको टिप्स पे याद रखिए असम राज्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है असम से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछे जाते हैं एयरफोर्स के पेपर में तो असम जो है फेवरेट स्टेट है किसका भी आपके एग्जामिनर का एयरफोर्स वालों का तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा पसंदीदा है याद रखना तेलंगाना की राजधानी है आपकी हैदराबाद हैदराबाद ठीक है के चंद्रशेखर राव जो है आपके यहाँ के क्या है सीएम है और तमिली साई तमिली साई साउंड राजन तमिली साई साउंड राजन यहाँ पे राज्यपाल है और तमिली साई साउंड राजन ही आपके पुडुचेरी का जो है एडिशनल चार्ज है इनके पास ठीक है एज एल जी लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे आप कहते हैं केरल के सीएम कौन है केरल के गवर्नर कौन है आप उत्तर दीजिएगा है ना महाराष्ट्र में है उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोशियारी गोवा और महाराष्ट्र दोनों के ही क्या है भाई क्या है आपके अः सेम जो है आपके अः गवर्नर है याद रखेगा ठीक है सेम गवर्नर है याद रखेंगे आप लोग तो जितने भी पॉइंट बताए उनको अच्छे से लिख लीजिए इंपोर्टेंट है आपके लिए ठीक है तो सीएम गवर्नर सभी राज्यों के अच्छे से याद कर लीजिएगा हीना सिद्धू किस खेल से संबंधित है बताइए कबड्डी से वेटलिफ्टिंग शूटिंग या फिर आपकी बैडमिंटन जल्दी से आंसर देंगे किस खेल से संबंधित है ये क्वेश्चन पेपर में पिछली बार बहुत ज्यादा पूछे गए लाइक आपसे ये पूछा गया मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है बताइए विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है उत्तर दीजिए ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं आप इनको जो है अच्छे से लाइटली करो कि मैम ऐसे ही करा रही है यहीं से पेपर में क्वेश्चन आएंगे और जब पेपर पंजाब की खिलाड़ी है कहा की है पंजाब की खिलाड़ी दो हजार अठारह का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें रिप्रेजेंट कर चुकी है याद रखिएगा ठीक है भाई टेन मीटर एयर पिस्टल किस किसमें आपकी टेन मीटर एयर पिस्टल ठीक है शूटर है ना शूटर शूटर है ये ठीक है शूटिंग शूटिंग से संबंधित है याद रखेगा किस राज्य से है पंजाब से है कहाँ से है पंजाब से है आप मुझे बताइएगा कि 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो है आपके कहाँ पर हुए थे विनेश फोगाट कुश्ती से है वो इसलिए पूछा गया था क्योंकि जो विनेश फोगाट है आपके रोहित शर्मा है मनिका भत्रा है आपकी रानी रामपाल और मरियपंटी इन सभी को क्या मिला था भाई इन सभी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था और राजीव गांधी खेल रतन पुरस्कार में पच्चीस लाख रुपए की राशि दी जाती है पहले व्यक्ति कौन थे आप बताइए जिनको राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो पहले व्यक्ति कौन थे उत्तर दीजिएगा और अगला क्वेश्चन क्या है आंसर दीजिए और इतने अच्छे बच्चे हो तो क्लास को एक बार सारे बच्चे मिलकर शेयर कर दीजिए है ना तो तुम अभी इतने से बच्चे फिर मैं रात में पढ़ाओगे तब तो तुम आओगे नहीं क्लास में है समझो इस चीज को समझो कि कोरोना का टाइम है बहुत सारे लोग यहाँ पे बीमार हैं तो उनको रेस्ट की जरूरत है उनको हम टॉर्चर करें कि ना तुम घर से भी क्लास ही लो रेस्ट मत करो तो अगर कुछ क्लासेस आपकी नहीं हो पाती हैं तो अभी नहीं तो चार पांच दिन बाद जब उनकी तबियत बिल्कुल ठीक हो जाएगी वो लोग अपने क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे तब तक तो आप लोग रिविजन तो कर सकते हो ना या क्लास को परेशान नहीं करोगे आर्यन जी समझ गए या नहीं समझे नहीं समझे तो समझ जाओ सही रहेगा है ना अब देखो आपसे क्या पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यू एन जिसे आप कहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है उत्तर दीजिएगा केन्या वियना ऑस्ट्रिया रोम इटली न्यूयॉर्क यूएसए ठीक है तो जल्दी से आप लोग क्या देंगे आंसर देंगे कहाँ पर है और सारे बच्चे जो है एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे ठीक है भाई हाँ यू हैव टू अंडरस्टैंड है ना इतने छोटे बच्चे तो होने के तुम्हें कुछ पता ही नहीं है बहुत बढ़िया एक बार अच्छे से क्लास को शेयर कर दीजिएगा और बिल्कुल तो यूएनएपी का जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर जिसे आप कहते हैं वो है आपका केन्या में।, में, में, में हुई थी याद रखिएगा है ना कब हुई थी याद रखिएगा तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक है ना ओपेक का ओपेक की फुल फॉर्म क्या है ये बताओ सबसे पहले है ना ओपेक की फुल फॉर्म क्या है जल्दी से बताएंगे आप लोग कि जो ओपेक है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है जल्दी से ओपेक की फुल फॉर्म बताएंगे तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग है ना कंट्रीज ये जो है इसकी फुल फॉर्म है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम मैंने बोला तो आप समझ सकते हैं किस तरीके इसमें तेरह देश आते हैं ना में कितने कंट्रीज है आपकी थर्टीन कंट्रीज है याद रखिए और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है आपके वियना ऑस्ट्रिया में है कहां पर है वियना ऑस्ट्रिया में ओपैक का हेडक्वार्टर आता है याद रखेगा उन्नीस में बगदाद में है ना उन्नीस में इसकी स्थापना हुई थी स्थापना कहां पर हुई थी आपके इराक बगदाद में हुई थी कहां पर हुई थी बच्चा इराक बगदाद में हुई थी याद रखेगा है ना ओपेक की स्थापना इसमें तेरह देश आते थर्टीन कंट्रीज आती है ये भी आप याद रखेगा ठीक है भाई याद रखेंगे बिल्कुल 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 एक बात याद रखना जो ये है आपका ओपेक है ना ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में लेकिन ये जो इसके तेरह देश है ये इसका मेंबर नहीं है, है ना इसका मेंबर नहीं है याद रखेगा ठीक है भाई रोम इटली में आपका जो फूड ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में आपको क्या है आप बता दीजिए यूएन का जो हेडक्वार्टर है आपके न्यूयॉर्क में है याद रखेगा नई बुक आई है आपको बताना है कि इसके जो ऑथर है वो कौन है आंसर दीजिए है ना तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे बच्चे आंसर देंगे कि इसके जो ऑथर है वो कौन है आर गिरिधरन रोमिला थापर जी दलाई लामा या फिर आपके वाई कुरेसी आंसर कीजिए आंसर कीजिए आंसर देंगे जल्दी से जल्दी से आप लोग क्या देंगे भी? आंसर देंगे बताओ कौन सी बुक है दलाई लामा की भी बुक आई थी अगर आप बता सकते हैं तो बताइएगा है ना कुछ दिन पहले ही आपको कराई थी तो जल्दी से एक बार आंसर दे दिया करो फटाफट से इतनी करते हो क्लास को शेयर नहीं करते हो और डिमांड इतनी करते हैं कि बस पूछो ही मत जो क्लास होती है उसमें पढ़ना नहीं है जो नहीं होती है उसमें पढ़ना है ऐसे ही रहना तुम लोग ठीक है तो 2018 के जो बच्चा पूछ रहा है वो गोल्ड कोस्ट में हुए थे पर हुए थे गोल्ड कोस्ट में याद रखना तो द पॉपुलेशन जो बुक है आपकी वो एस वाई कुरैसी जी की है किन की है आपकी एस वाई कुरैसी जी की है याद रखिएगा रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है आंसर दीजिए तो एक बहुत ही बढ़िया क्लास हुई थी आपकी एक नहीं तीन से चार क्लास हुई थी है ना एयरफोर्स में क्या कराया गया था उसमें आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन मैम ने कराए थे रोमिला था पर गलत आंसर है बुक और ऑथर कराऊंगी आपको लेटेस्ट जितने भी बुक्स और ऑथर है सारे के सारे आपको कराए जाएंगे है ना कराऊंगी कल या परसों में ही कराऊंगी अच्छे से कराऊंगी जब डैम्स हो जाएंगे फिर आपको बुक और ऑथर ही कराने हैं तो उसमें आप आइएगा सारे के सारे बुक्स आपके कवर हो जाएंगी बताओ जल्दी से यहाँ पे रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है जल्दी से आंसर देंगे और ये अच्छी बात नहीं है अगर तुम क्लास को शेयर नहीं करते है ऐसे करोगे अब ये तो बहुत गलत बात है भाई बहुत गलत बात है आपकी दिस इज नॉट गुड मतलब सोचो जरा कोरोना है भैया कोरोना तब भी क्लास चल रही है है और तुमसे क्लास शेयर नहीं होती मतलब यहाँ सब छोड़ छाड़ के क्लास चल रही है लेकिन तुम हो कि क्या ही बोला जाए छोड़ो है ना तुम्हें बोलना ना बोलना सब बराबर है तुम्हें क्या बोले चलेगा तो रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है बिल्कुल सही आंसर है आपका रोवर्स कप का जो संबंध है वो है आपके फुटबॉल से किससे संबंधित है रोवर्स कप आपका फुटबॉल से संबंधित है याद रखिएगा ऐसे ही आपके फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी तो इंडिया की जो नेशनल ट्रॉफी है है ना नेशनल चैंपियन है चैंपियनशिप है वो कौन सी है फुटबॉल की नेशन संतोष ट्रॉफी होती है कौन सी होती है बेटा संतोष ट्रॉफी होती है याद रखेगा इसके अलावा और भी बहुत सारे कप और ट्रॉफी होते हैं जैसे डुरंड कप होता है कौन सा होता है आपका डुरंड कप हो गया ये भी किससे संबंधित है आपका तो डुरंड कप भी आपका फुटबॉल से संबंधित है मैंने बताया अभी आपको संतोष ट्रॉफी भी आपका किससे संबंधित है फुटबॉल से संबंधित है याद रखिएगा इसी प्रकार आपका कलिंग कप होता है कौन सा एक कलिंग कप कलिंग कप भी किससे संबंधित है आपके फुटबॉल से संबंधित है ठीक है तो ये सारे के सारे आप याद रखेंगे सीजर कप भी होता है पेपर में आता है ना पेपर में पूछा जाता है सीजर कप ठीक है तो सीजर कप भी जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है इंडिया का नेशनल जो स्पोर्ट्स फुटबॉल का जो नेशनल चैंपियनशिप है आप कह सकते हो कप है वो कौन सा है संतोष ट्रॉफी है याद रखेगा ठीक है क्या है आपका संतोष ट्रॉफी है याद रखना एक है आपका आ, विठल ट्रॉफी भी होती है इसमें वो भी याद रखेगा संजय गोल्ड कप भी होता है रोवर्स कप पढ़ा दिया आपको निजाम गोल्ड कप भी होता है फेडरेशन कप भी आपका फुटबॉल से संबंधित है याद रखिए फिर बात कर लेते हैं टेनिस तो टेनिस में आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं उनको भी हम करेंगे अच्छे से क्रिकेट में कौन कौन से हैं तो सी के नायडू हो गया आपका ठीक है बिहार ट्रॉफी हो गया देवदर दिलीप ट्रॉफी आपकी जी डी बिड़ला ट्रॉफी हो गई आपकी गुलाम अहमद ट्रॉफी हो गई आपकी विजय हजारे ट्रॉफी ईरानी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी ठीक है भाई इसके अलावा आपका जो है कौन सा सहारा कब भी होता है क्रिकेट से रिलेटेड है सीस महल ट्रॉफी भी आपकी क्रिकेट की है और आपका विजय हजारे तो मैंने बताई दिया तो ये आपके किससे संबंधित है आपके तो ये है आपके सारे के सारे क्रिकेट से संबंधित टेनिस की अगर आप बात करोगे तो आपके टेनिस में हो जाते हैं जैसे कि यहाँ पर ग्लैंड ग्रैंड स्लैम वगैरह उनको आप अच्छे से याद रखें वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है टेनिस में है ना उनको भी हम करेंगे एक क्लास आएगी आपकी करंट अफेयर वाली उसमें हो जाएंगे सारे के सारे ठीक है तो इस प्रकार से आपकी चीजें आप इनको याद रखिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं है ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं चलो देखो नियामी किस देश की, की राजधानी है उत्तर दीजिए नियामी जो है आपकी ये किस देश की, की राजधानी है कोसोवो की है सेसिल्स की है नाइजर की है, हैती की है अब जल्दी से आंसर देंगे किस देश की है और क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए है ना जल्दी से एक बार क्लास को सारे बच्चे शेयर कर देंगे फटाफट -फड़ से और आंसर देंगे किस देश की जो है आपकी राजधानी है फटाफट से तो की राजधानी क्या है आपकी की राजधानी आपकी विक्टोरिया है तो वो भी आपका राइट आंसर नहीं है अब बाकी ऑप्शन है उनमें से आप बताएंगे क्या है है ना की जो करेंसी है वो रुपी होती है जैसे हमारी है सेम करेंसी होती है याद रखिएगा प्रिस्टीना जो है आपकी कोसोवो की राजधानी है क्या है आपकी प्रिस्टीना है ना जो आपका ऑप्शन ए है उसकी राजधानी क्या है आपकी प्रिस्टीना है याद रखिएगा क्या है बेटा प्रिस्टीना है और करेंसी क्या है आपकी यूरो क्या करेंसी है यूरो जो है आपकी करंसी है अब रहते हैं आपके पास दो ऑप्शन सी और डी अब आप बता दीजिए सी और डी में से आपका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा सी होगा या डी होगा तो याद रखना जो नियामी है आपकी वो कहाँ की कैपिटल है ये आपकी नाइजर की कैपिटल है कहाँ की है नाइजर की कैपिटल है याद रखेगा तो जो हैती देश है आपका हैती हैती की कैपिटल क्या है आपकी पोर्ट ओ प्रिंस जो है यहाँ की कैपिटल है क्या है भाई पोर्ट ओ प्रिंस जो है यहाँ की कैपिटल है लिख लीजिएगा कहा की हैती की कैपिटल है लिख लीजिए ठीक है क्लियर है यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका पूछा गया है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो है आपका कब मनाया जाता है उत्तर दीजिए 9 मार्च को 21 जुलाई 5 अप्रैल या फिर आपका 7 मई को मनाया जाता है आंसर देंगे कब मनाया जाता है जल्दी से आंसर देंगे फटाफट से बिल्कुल नेवी के लिए 100 परसेंट यू कैन वॉच देखो एक बार आपका नोटिफिकेशन आ जाए प्रॉपर तो हम एक बार कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किन किन बच्चों के एडमिट कार्ड आएंगे किन किन नहीं आएंगे है ना उससे पहले कुछ भी बोलना ना समझी होगी चलेगा वर्ल्ड एथलेटिक्स डे आपसे पूछा गया है तो ये जो है आपका मनाया जाता है सात मई को कब मनाया जाता है सात मई को मनाया जाता है आप मुझे बताइए कि एक मई को कौन सा दिन मनाया जाता है है ना एक मई को कौन सा दिन जो है आप मनाते हैं जल्दी से आंसर देंगे आप लोग फटाफट से ठीक है जल्दी से रवि कुमार दहिया ने हाल ही में किस खेल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है आंसर दीजिए किस में जीता है जल्दी से बताएंगे किस खेल में जो है स्वर्ण पदक जीता है जल्दी से है ना रवि कुमार दहिया जी ने कुश्ती में शूटिंग में भारतोलन या फिर आपके बॉक्सिंग में तो ये है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन और तुम्हें सर में आनी चाहिए नहीं आती है तो आनी चाहिए बिल्कुल आनी चाहिए और बहुत सारी आनी चाहिए मतलब क्या है दो बच्चे एक हद होती है ठीक है मजदूर दिवस मनाया जाता है कोई बात नहीं है ना मतलब ये तो तय है कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर लिया जाए तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं है है ना मतलब क्लास तुमसे शेयर तक नहीं होती या मोबाइल में भी कोरोना आ चुका है कि अगर देखोगे तो मोबाइल तो को भी कोरोना हो जाएगा क्या ही होगा तुम्हारा चलिएगा आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड एटी नाइन पॉइंट सिक्स वाला बच्चा आ जाएगा ठीक है इजीली आ जाएगा चलिएगा बॉक्सिंग वेट लिफ्टिंग शूटिंग या फिर रेसलिंग तो यहां पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेसलिंग किससे संबंधित है भाई रेसलिंग से संबंधित है ठीक है याद रखना रेसलिंग ठीक है तो इन्होंने जो है अभी हाल ही में जीता इसके अलावा ये जो आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप उसमें ये ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं याद रखना ठीक है, या है कौन है ये आपके रवि कुमार दहिया जी हैं कौन है भाई रवि कुमार दहिया जी अगला क्वेश्चन देखो आपका चार्ल्स गेस के कौन है ये आपके चार्ल्स गेस के जिन्हें चक के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से चक के नाम से जाना जाता है इनका हाल ही में इक्यासी साल की उम्र में निधन हो गया ये किस कंपनी के सह संस्थापक थे ये बताना है देखो ध्यान से सुनना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में जो आपकी हाल ही में जिनका निधन हो गया वो किस फील्ड से रिलेटेड है तो कुछ इंपोर्टेंट लोग होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जैसे कि आपके चार्ल्स गेस के हैं इनका निधन हो गया क्यों इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन की थी है ना किसी चीज को इन्वेंट किया था तो आपको बताना है कि किस कंपनी के सह संस्थापक थे ऑप्शन है आपके पास देख लेना है ना हिंदी में मत जाना पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है अच्छा ये सही लिखा है ये सही लिखा है बिल्कुल आपका ठीक है भाई लिंगडेन हो गया आपका एडोब हो गया या फिर आपका एनवीडिया उत्तर दीजिएगा तो याद रखना ये जो आपके चक के नाम से जाना जाता है ये ये जो आपकी कंपनी है 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 ना Adobe. ये Adobe के, C, right है, के है ना के के ऑप्शन सी राइट आंसर थे पेपर में हंड्रेड परसेंट आएगा लिख लो ना आए तो बता देना अडोब के को फाउंडर थे ठीक है भाई यानी कि जो है किसी की किसी के साथ मिलके अडोब को जो है इन्वेंट किया था याद रखेगा एडोब कंपनी है ना एडोब कंपनी कब 1982 में कब किया था 1982 में किया था अब कोफाउंडर थे तो इनके साथ और कौन था दूसरा व्यक्ति तो उनका नाम जो है आप देख लीजिएगा क्या नाम था जल्दी से बताएंगे बता सकता है कोई एडोब के जो इन्वेंटर थे वो कौन-कौन थे है ना एक तो आपके चक थे जल्दी से बताएंगे दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था तो जो दूसरे व्यक्ति थे उनका नाम है जॉन वार्नॉक है ना जोन वार्नोक जोन वार्नोक नाम है ठीक है तो इन दोनों का नाम एक साथ लिखा जाता है कहा जाता है कि चक और जो ने है ना चक और जो ने मिलकर के अडोब की अडोब स्थाप, uh, को स्थापित किया या फिर अडोब को जो है एस्टेब्लिश किया था या फिर अडोब को इन्वेंट किया था आप कहोगे अडोब क्या होता है जो आपके पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं है ना जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है ये बता देना कब की थी 1982 में इसका हेडक्वार्टर कहां पे मतलब कहां पे की थी यूएस में की थी इसकी स्थापना वर्तमान में इसके सीईओ कौन है ये भी पूछ सकता है आपसे वर्तमान में अडोब के सीईओ कौन है तो ये है आपके कौन भाई शांतनु नारायण है ना कौन है आपके शांतनु जी है लिख लीजिए शांतनु नारायण ये जो है वर्तमान में अडोब के सीईओ है लिख लीजिएगा है ना एक बार लिख लेंगे यूएस कैलिफोर्निया यूएस में इसका हेडक्वार्टर है याद रखेगा है ना बिल्कुल 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 हाँ क्वेश्चन आउट ही हो गया तुम्हें तो वैल्यू नहीं है यह चीज तो मैं समझ गई कुछ भी पढ़ा दो कोई वैल्यू नहीं है पढ़ाने की चलिएगा देखना क्या पूछा गया पद्मश्री जीतने वाले 107 साल के गंजम वेंकट सुबैया जिनका हाल ही में निधन हो गया ये एक अनुभवी लेखक होने के साथ साथ लेक्सियोग्राफर किस भाषा में थे आप बताएंगे कि लेक्सिकोग्राफर जो है किसे कहते हैं है है ना बताएंगे किसे जो है आप लेक्सिकोग्राफर कहते हैं जल्दी से बताएंगे फटाफट से आंसर आंसर दीजिएगा किसे किसे कहते हैं सभी का जो जो है है आएगा एक बार किसे जो है आप लेक्सिकोग्राफर कहते हैं जल्दी से ठीक है तो जो डिक्शनरी कंपाइल करते हैं लोग उनको आप कहते हैं लेक्सिकोग्राफर है ना तो इन्होंने किस भाषा में डिक्शनरी को बनाया था कंपाइल किया था उड़िया में मलयालम मराठी या फिर कन्नड़ इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था यानी कि सम्मानित किया गया था नाम है इनका गंजम ठीक है वेंकट सुबैया उत्तर दीजिए जल्दी से आंसर आना चाहिए आपका जल्दी से आंसर आएगा फटाफट जल्दी से आंसर देंगे फटाफट से आंसर आना चाहिए आपका जल्दी जल्दी तो ये जो है आपके यहाँ पर कन्नड़ राइटर थे है ना कन्नड़ भाषा के जो है इन्होंने कन्नड़ भाषा में इन्होंने डिक्शनरी को कंपाइल किया था याद रखिएगा इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया और कहा इनका जन्म हुआ था तो मैसूर में है ना मैसूर में हुआ था 23 अगस्त 1913 में कब भाई 23 अगस्त 1913 में हुआ था 107 साल की उम्र में सेंचुरी मारने के बाद 107 साल की उम्र में इनका निधन हो गया याद रखना मलयालम सबका गलत आंसर है ठीक है गलत आंसर है कन्नड़ आएगा है ना कन्नड़ आएगा डी आएगा डी क्या सोच के किया बी हमें नहीं पता है ना ये यही नतीजा है जब पेपर में आएगा ना तब भी ऐसे ही तुम हरकतें करके आओगे कोई बात नहीं अच्छी बात है ऐसी फॉर सेंडिंग नेक्स्ट टू यूएस एस्ट्रोनॉट टू द मून बाय 2024 देखो आपसे ये पूछा गया है कि नासा ने जो नासा है आप सबसे पहले नासा की फुल फॉर्म क्या है ये बता दो नासा की फुल फॉर्म क्या है नासा की स्थापना कब हुई थी और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये बता दीजिएगा है ना फुल फॉर्म स्थापना और हेडक्वार्टर अब इस नासा ने क्या किया स्पेस एजेंसी है किस किस कंट्री की है ये बताइएगा स्पेस एजेंसी है किस कंट्री की है ये बताइएगा है ना नासा क्या है आपकी एक स्पेस एजेंसी है किस कंट्री की है यह बताना तो नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना क्या है भाई नेशनल एरोनोटिक्स एंड नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यूएस की एक स्पेस एजेंसी है कौन से देश की है यूएस की है याद रखेगा ठीक है तो फुल फॉर्म ये है वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या है हेडक्वाटर है कहाँ पर है वॉशिंगटन डीसी में लिख लीजिएगा वॉशिंगटन डीसी में जो है इसका हेडक्वाटर है फटाफट से लिखेंगे वॉशिंगटन डीसी में स्थापना कब हुई थी तो 1958 में हुई थी कब हुई थी 1958 में हुई थी आपसे पूछा गया है कि नासा जो है अपने दो एस्ट्रोनॉट को कहाँ भेजने वाला है स्पेस में भेजने वाला है सॉरी मून पे भेजने वाला है ठीक है तो मून पे भेजने के लिए नासा ने कॉन्ट्रैक्ट जो है किस कंपनी को दिया है ये आपको बताना है तो आप आंसर देंगे जल्दी से अब आपका आंसर आना चाहिए जल्दी से सारे बच्चे आंसर देंगे जल्दी 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 से आंसर आएगा फटाफट से और क्लास को शेयर मत कर देना है ना शेयर करने से क्लास शेयर करने से कोरोना नहीं फैलता ठीक है जहां तक मुझे पता है अब आंसर आंसर देंगे आप से आंसर देंगे आप जल्दी से है ना किस कंपनी को मैम एम के लिए चलेगा हां जी बिल्कुल चलेगा तो स्पेस एक्स को दिया है कौन सी कंपनी है बेटा आपकी स्पेस एक्स है ना स्पेस एक्स को नासा ने स्पेस एक्स के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अपने एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा पे भेजने के लिए और उस मिशन का नाम क्या लिखा रखा गया है मिशन का नाम है आपका आर्टेमिस प्रोग्राम क्या नाम है बच्चा आर्टेमिस प्रोग्राम है याद रखेगा ठीक है याद रखेगा है ना याद रखेंगे अच्छे से याद रखेंगे तो जो है बिल्कुल 2.9 बिलियन डॉलर की कीमत के साथ स्पेसएक्स को जो है ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है याद रखना अब बात कर लेते हैं किसके बारे में स्पेस के बारे में तो आप बताइएगा स्पेस की स्थापना किसने की थी जल्दी से जल्दी से बताएंगे किसने जो है स्पेस की स्थापना की थी जल्दी से फटाफट से आंसर आना चाहिए आपका जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर आएगा किसने जो है स्थापना की थी जल्दी से जल्दी जल्दी और फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ तो फाउंडर है आपके एलोन मस्क कौन है भाई एलोन मस्क है याद रखिएगा 2002 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था है ना 2002 में कौन है फाउंडर एलोन मस्क याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेपर में पूछा जा सकता है सीईओ भी कौन है ये इसके सीईओ बने हुए हैं याद रखेगा हेडक्वार्टर कहां पर है कैलिफोर्निया यूएस में है आपकी तो यूएस की ही क्या है ये आपकी कंपनी है याद रखना पूछा गया है कि विच प्लेयर हैज बीन नेम्ड एज द ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ट्वेंटी दो से दो के लिए

दशक के एक दिवसीय क्रिकेटरों के रूप में नामित किया गया है धोनी जी को कोले जी को स्टीव स्मिथ को बताइए किसे किया गया तो आंसर देंगे आप लोग किसे किया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है ठीक है तो जल्दी से बताएंगे किसे किया गया है जल्दी से फटाफट से आंसर देंगे आप लोग जल्दी 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 से बताएंगे किसे कौन से क्रिकेटर को फटाफट से तो ये जितने भी हैं आपके सारे के सारे हम पढ़ लेंगे है ना आने वाली क्लास में आपको कराने वाली हूँ इंपोर्टेंट हाल ही में किस किस को क्या क्या अवार्ड्स वगैरह दिए गए हैं सारे हम करेंगे है ना तो हो जाएगा आपका सिलेबस नेवी का भी हो जाएगा एयरफोर्स वाले बच्चों का भी हो जाएगा है ना बिल्कुल बिल्कुल कोहली आ रहा आंसर तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका विराट कोहली है ना बिल्कुल राइट आंसर है आपका अनुष्का शर्मा भी आ गई यहाँ पे अच्छा भी तो कोहली को है ना किसको भाई विराट कोहली को जो है 2010 से 19 यानी कि पिछले नौ सालों की परफॉर्मेंस के लिए चुना गया है याद रखेगा ठीक है इसमें जो है और भी काफी प्लेयर्स को दिया जाता है तो विराट कोहली ने क्या किया था विराट कोहली को और कौन कौन से हाल ही में अवार्ड्स दिए गए हैं ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे और ये जो विस्टन है ना 2021 जो एडिशन है विस्टन का इसमें और किस किस को दिए गए हैं तो ये हम एक बार देख लेते हैं जल्दी से तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका विराट कोहली है ना क्या है भाई विराट कोहली आंसर है याद रखेगा ठीक है आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे एक बार सारे जो प्लेयर्स है उनके नाम भी लिखवा दूंगी किस किस को जो है कौन कौन से अवार्ड जो है दिए गए हैं वो आप लिख लीजिए ये आपका ज्यादा पुराना नहीं तीन से चार दिन पहले का क्वेश्चन है ना तीन से चार दिन पहले ये जो अवार्ड है इनके अनाउंसमेंट की गई है दिए गए हैं तो आप एक बार जो है देख लीजिएगा किस किस को कौन कौन से दिए गए हैं ठीक है किस किस को कौन कौन से दिए गए हैं याद रखेंगे तो यहाँ पे ना पांच वो चुने जाते हैं ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पांच चुने जाते हैं है ना इसमें ना पांच फाइव ओडीआई ओडीआई होता है आपका वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाते हैं तो पांच प्लेयर कौन कौन से हैं जिन्हें चुना गया है ऑफ द ईयर नहीं ऑफ द डिकेड आएगा है ना दस सालों में पिछले दस सालों में या फिर दस सालों के पांच जो स्टार क्रिकेटर है आप कह है सकते हैं ओडीआई के उनको जो है चुना जाता है इसमें सबके नाम लिखवा दू तो क्लास को एक बार शेयर कर दो है भाई बिल्कुल तो कौन कौन है आपके एक है आपके रिचर्ड है, है ना व्यू रिचर्ड लिख लीजिएगा इसमें इंडिया से कौन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा तो इंडिया से है आपके कपिल देव कौन है भाई हमारे कपिल देव जी है लिख लीजिएगा कपिल देव की एक बुक है बताना कौन सी है कल कराई थी आपको अगले है आपके सचिन तेंदुलकर जी है ना तो दो हो गए अपने इंडिया के सचिन तेंदुलकर चौथे खिलाड़ी कौन है कोई बता सकता है तो चौथे है आपके मुठैया मुरली मुरलीरथन है ना मुरलीधन तो इनका नाम याद रखना और पांचवे है आपके विराट कोहली तो इसमें मेन ये है कि विराट कोहली भी क्या है अपने इंडिया के हो गए ठीक है और पांचवे खिलाड़ी कौन है आपके पांचवे खिलाड़ी है आपके मुरलीधरन है लिख लीजिए है ना मुरलीधरन तो ये पांच खिलाड़ी है जिनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है आपका चुना गया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है पांचों के पांचों पांच में से आपके जो है तीन खिलाड़ी अपने इंडिया के हैं कहाँ के हैं इंडिया के हैं लीडिंग मेल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड लिख लीजिए लीडिंग मेल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे चुना गया है मेल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जल्दी से लिखेंगे मेल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जो है इसे चुना गया है तो ये है आपके बेन स्टॉक कौन है भाई बेन स्टोक को चुना गया है किस के खिलाड़ी है? आप बताएंगे ऐसे ही आपसे ऑस्ट्रेलिया तो के खिलाड़ी है आपकी मुनी कौन है भाई मुनी महिलाओं में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है आपकी मुनी इनको दिया गया है, है ना क्या भाई लीडिंग फीमेल क्रिकेटर ऑफ द इन द वर्ल्ड का अवार्ड जो जो है दिया गया है याद रखिएगा ठीक है बाकी जो है टी ट्वेंटी में किसे दिया गया है तो केरन पोलार्ड को दिया गया है ये भी याद रखिएगा ऐसे ही करके आपके जो है और एक हो गया था आपका विराट कोहली तो ये जो है आपके कुछ नाम जो है इनके याद रखेगा आप अच्छे से है ना अच्छे से ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्या है आपका चलिएगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है है ना संपन्न किया है कि कोफनी संपन्न हो जाएगा यहाँ पे ठीक है चलिएगा देखो क्या पूछा गया है संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का आठवां संस्करण का संपन्न किया गया ये वार्षिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है तो जितने भी एयरफोर्स के बच्चे हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट एयरफोर्स सारे के सारे आपके डिफेंस वाले बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण है तो आंसर दीजिएगा खंजर एक्सरसाइज जो है आपकी किस किस के बीच में जो है हाल ही में की गई है जल्दी से आप जो है आंसर देंगे फटाफट से जल्दी से आंसर आए किस किस के बीच में जो है ये आपकी संपन्न हुई है कौन सी एक्सरसाइज है खंजर कौन सा संस्करण है आपका आठवा इंडिया और किस किस के बीच में होती है तो ये स्पेशल फोर्सेस की होती है है ना स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज होती है आपकी इंडिया की किस देश के साथ होती है ये आपको बताना है तो देश है आपका कौन सा किर्गिस्तान कौन सा भी? किर्गिस्तान के साथ होती है याद रखिएगा ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो क्या हो जाएगा यहाँ पे किर्गिस्तान जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान के साथ जो है ये आपकी स्पेशल एक्सरसाइज होती है इसका आठवां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ है कौन सा आठवा ठीक है भाई याद रखेंगे कहाँ पर तो ये आप याद रखना बिस्केक में कहाँ पर बिस्केक में संपन्न हुआ कहाँ पर बिस्केक में ठीक है तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है याद रखेगा है ना याद रखेंगे किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है किर्गिस्तान की करेंसी क्या है ये आपके लिए क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है तो लिख लीजिए है ना तीन सौ पार भी नहीं किया तुम तारीफ कितनी की जाए तुम्हारी उतनी कम है ठीक है बाकी बताना अफगानिस्तान की राजधानी और मुद्रा क्या है बहरीन के बारे में बता दीजिएगा और ये रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन इसके बारे में उत्तर दीजिएगा क्या पूछा गया है ये होमवर्क नहीं है ये मैंने कल भी पढ़ाया था आपको मेमोरियल टाइटल बिलीव लाइफ एंड क्रिकेट me. बताना है कि किसकी जिंदगी से किसकी लाइफ के लाइफ पर बेस्ड है है ना तो कल भी मैंने आपको जो क्रिकेटर्स की जीवनी वगैरह कराई थी तब मैंने आपको ये पढ़ाया था बिलीव लाइफ एंड क्रिकेट me, है ना me आएगा यहाँ पर me ठीक है भाई शीर्षक संस्मरण मई 2021 में रिलीज होने वाला है ये किस भारतीय खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है तो किसके जीवन पर आधारित है ये आपके याद रखेगा ये आपके सुरेश रैना जी है ना सुरेश रैना जी के जीवन पर आधारित है इंपोर्टेंट है याद रखना पेपर में पूरी पूरी संभावनाएं ठीक है भाई अच्छे से याद रखेगा आपके मैथ्स वाले सर आ गए हैं पढ़ाएंगे और ये रहा आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ठीक है हिंदी पे मत जाना इंग्लिश पे जाना क्योंकि थीम पूछी गई है है ना थीम थीम पूछी गई है तो हिंदी मत जाना आ, देखना क्या है आपकी पूछा गया कि विश्व धरोहर दिवस दो का विषय क्या है ठीक है आपसे पूछा कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 का विषय क्या था कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर रूरल लैंडस्केप या फिर शेयर्ड कल्चर शेयर्ड हेरिटेज हेरिटेज फॉर जनरेशन ठीक है तो जब क्लास शुरू हुई तभी पढ़ाया था आपको कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा कब मनाया जाता है और इसकी जो थीम है वो थीम क्या थी साथ साथ में ये बताना कि एक अप्रैल को कौन सा दिन मनाएंगे आप एक अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है आपका चार अप्रैल को कौन सा दिन मनाते हैं है ना एक अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं आप चार अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है आपका पांच अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है कमेंट बॉक्स में आंसर होना चाहिए सात अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है तेरह अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है आपका साथ में बताना कि अठारह अप्रैल को कौन सा दिन मनाओगे आप बाईस अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है बाईस अप्रैल ठीक है बाईस के बाद में आएगा आपका चौबीस अप्रैल और फिर आपका आएगा अप्रैल में लास्ट पच्चीस अप्रैल ये जो डेज है आपके सारे इंपॉर्टेंट है क्लास जब शुरू हुई थी तभी बताए थे कौन कौन से हैं। तो सारे के सारे बता देना कौन कौन से दिन जो है आपके मनाए जाते हैं ठीक है चश्मा कहा से खरीदा था उत्कल दिवस मनाया जाता है ओके 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 ठीक है चलो तो बिल्कुल जो है फुल डे है ना ये पेपर में तुम फूल बन जाओगे और अच्छा वाला फूल बनोगे मत पढ़ो ठीक है चलो तो चलते हैं मिलते हैं कल अभी आज रात नौ बजे भी आपकी क्लास होगी जीके की उसमें मिलेंगे अभी आपकी क्लास होगी मैथ्स की क्लास होगी और अकाश सर आपको पढ़ाएंगे तो मैथ्स की क्लास में आज आइए आप लोग है ना तो मिलते हैं रात नौ बजे थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत